तो दोस्तों ये तो कंफर्म हो चुका है कि WWE SummerSlam 2024 में द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस रिटर्न आने वाले हैं और रोमन रेंस रिटर्न आके सोलो सिकोवा के ऊपर अटैक करेंगे। इस बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी चैनल पे, अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा। लेकिन SummerSlam में रोमन रेंस एक और सरप्राइज के साथ रिटर्न आ रहे, वो सरप्राइज क्या है मैं आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको WWE SummerSlam 2024 के बाकी सारे मैच के रिजल्ट भी बताऊंगा कि SummerSlam 2024 में और क्या क्या होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं बेली वर्सेस नाया जैक्स के मैच के बारे में कि इस मैच में क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि बेली अपने टाइटल को बचा लेगी, लेकिन उसके बाद मिस मनी इन द बैंक टिफनी SummerSlam 2024 में अपने मनी इन द बैंक को कैश इन करेंगी और बन जाएंगी न्यू चैंपियन। शायद ये भी हो सकता है कि नाया जैक्स न्यू चैंपियन बन जाए, लेकिन ये तो कंफर्म है कि टिफनी अपना मनी इन द बैंक कैश इन करके न्यू चैंपियन जरूर बनेंगी, क्योंकि WWE फैंस उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं और WWE भी उसे पुश दे रही है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में है, जो कि हो रहा है डैमियन प्रिस्ट वर्सेस गुंथर के बीच में। ये मैच हो रहा है वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए और इस मैच में सबसे ज्यादा चांस यही है कि गुंथर डैमियन प्रिस्ट को हरा के बन जाएंगे न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन उसके बाद गुंथर को मिलेगा एक बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के रिटर्न आने के काफी ज्यादा चांसेस है कि द ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके गुंथर को चैलेंज कर सकते हैं और गुंथर और ब्रॉक लेसनर का मैच हो सकता है वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कमेंट करके इन सारे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। वुमेन्स टाइटल के लिए एक और मैच हो रहा है रिया रिप्ले वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में। जैसे कि हमने रॉ में देखा कि रिया रिप्ले ने रिटर्न आके डोमिनिक और WWE फैंस सबको चौंका दिया, तो अब बारी आ चुकी है कि लिव मॉर्गन और रिया रिप्ले का रीमैच हो। लेकिन इस रीमैच में होगा क्या, WWE फैंस ये जानना चाहते हैं कि इस रीमैच में डोमिनिक किसका साथ देंगे, लिव मॉर्गन का या फिर रिया रिप्ले का। मैं आपको बताता हूँ, इस मैच में भी डोमिनिक गड़बड़ी करेंगे और उनकी गड़बड़ी का फायदा उठा के लिव मॉर्गन इस मैच में रिया रिप्ले को हरा के अपने टाइटल को बचा लेगी। लेकिन यहाँ से रिया रिप्ले और लिव मॉर्गन की दुश्मनी खत्म नहीं होगी बल्कि चालू होगी, अभी उनके बहुत सारे मैचेस होना बाकी है। अब आइए बात करते हैं SummerSlam 2024 के मेन इवेंट के बारे में, यानी कि सोलो सिकोवा वर्सेस कॉडियोस के मैच के बारे में। इस मैच में दो रिजल्ट हो सकते हैं। पहला रिजल्ट तो यह है कि सोलो सिकोवा कॉडियोस को हरा के न्यू अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन बन जाए, और वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब रोमन रेंस रिटर्न आए तो रोमन रेंस सोलो सिकोवा को चैलेंज करे और रोमन और सोलो का मैच अगर टाइटल के लिए होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तब सोलो के कैरेक्टर को एक पुश मिलेगा, तब WWE फैंस ये कहेंगे कि ये सोलो सिकोवा रोमन रेंस के सामने खड़ा होने लायक है और ये रोमन रेंस को चैलेंज कर सकता है और रोमन रेंस और उसकी दुश्मनी में मजा भी आएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि डी अमेरिकन नाइटमेयर कॉडियोस सोलो सिकोवा को हरा के अपने टाइटल को बचा ले, लेकिन कॉडियोस सोलो सिकोवा को ऐसे नहीं हरा पाएंगे, कॉडियोस सोलो सिकोवा को हराएंगे रोमन रेंस की मदद से। अब चाहे कॉडी जीते या फिर सोलो, ये तो कंफर्म है कि इस मैच में द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस रिटर्न आने वाले हैं और यहीं से शुरू होगी सोलो सिकोवा और रोमन रेंस की दुश्मनी की शुरुआत। लेकिन SummerSlam 2024 में रोमन रेंस एक और सरप्राइज के साथ रिटर्न आ रहे हैं और वो सरप्राइज ये है कि उनका एक नया एंट्रेंस थीम सॉन्ग आने वाला है। रोमन रेंस इस बार जब SummerSlam में रिटर्न आएंगे तो वो अपने एक नए थीम सॉन्ग के साथ रिटर्न आएंगे। अब आप लोग पूछेंगे कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि रोमन रेंस एक नए थीम सॉन्ग के साथ रिटर्न आएंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, ये रूमर्स काफी पहले आ चुकी है कि रोमन रेंस इस बार जब रिटर्न आएंगे तो वो एज अ बेबी फेस यानी कि फेस कैरेक्टर बन के रिटर्न आएंगे। अब जब रोमन रेंस फेस कैरेक्टर बने हैं तो उनके लिए एक नया थीम सॉन्ग तो बनता ही है, तो ज्यादा चांस तो ये है कि रोमन रेंस जब रिटर्न आएंगे तो एक नए थीम सॉन्ग के साथ आएंगे। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आप लोगों को रोमन रेंस का एक नया थीम सॉन्ग चाहिए या फिर ओल्ड वाला ही चलेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में WWE के नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।